साथियों मैं पहुंच गया हूं अयोध्या में आ रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती के यहां पर, और जस्ट मेरे सामने ही 108 फीट लंबी अगरबत्ती जो आप देख पाओगे अयोध्या के लिए आई है गुजरात से चल करके। यहां पर लिखा हुआ कंप्लीट श्री सनातन धर्म समाज एवं गोपालक समाज बड़ोदरा गुजरात राज्य द्वारा 108 फीट लंबी अगरबत्ती की शोभा यात्रा बड़ोदरा से अयोध्या प्रस्थान हो रही है, तो सर्व राम भक्तों को यात्रा में जुड़ने के लिए हार्दिक निमंत्रण है। इस बहुत बड़ी अगरबत्ती को बनाने वाले बीहा भाई करसन भाई भरवाड़ यहाँ पर है, जो इसने जिन्होंने इस अगरबत्ती बहुत बड़ी अगरबत्ती को बनाया है। इस पर यहाँ पर चारों तरफ से बहुत बड़ा ट्रक है, करीब 150 फीट का ये ट्रक है। यहाँ पर लिखा हुआ चलो अयोध्या बड़ोदरा से अयोध्या कंप्लीट पूरा इस पर लिखा हुआ भी देखो, यहाँ पर जो बनाया इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ 108 फीट लंबी धूप बत्ती यानी कि गाय के गोबर से और घी से और इसमें और भी जो चीज़ें जो इसमें मिक्स करके उनको बनाया गया है, और ये पूरे रेगुलर 40-45 दिन यानी 1.5 महीने तक ये यहाँ पर रेगुलर जलने वाली है। तो दोस्तों कितनी बड़ी यहाँ पर अगरबत्ती है, देखो कितना दूर तक मैं चल रहा हूँ फिर भी इस अगरबत्ती एंड होने का नाम नहीं ले रही, और आपके सामने है यहाँ पर देखिए आप खुद, ये है अगरबत्ती का पीछे वाला हिस्सा, जो देखिए कि यहाँ पर कितना भव्य और कितना शानदार आपको ये नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर कंप्लीट तरीके से देखो कितना प्यारा तरीके से इसको यहाँ पे रख करके लाया गया है, कितना बड़ा ट्रक इसमें लाया गया है, और यहाँ पर ये अगरबत्ती आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो। इधर की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ भव्य तरीके से इस बहुत बड़े ट्रक को यहाँ पर सजाया हुआ है, और यहाँ पर देखो कितना बड़ा ट्रक है। दोस्तों मोबाइल का वाइड मोड मैंने ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसमें पूरा कवर हो पा रहा है, और देखिए आप चारों तरफ से कितनी लंबी यहाँ पर अगरबत्ती इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम इसमें अंदर एक बार और चलेंगे दिखाएंगे आपको, उससे पहले देखो कि यहाँ पर इस जो ट्रक को पूरा कितना भव्य तरीके से इसको सजाया हुआ एक शोभा यात्रा निकली है, जो कि गुजरात से चल करके उत्तर प्रदेश अयोध्या में आई है श्री राम भूमि के यहाँ पर, जो कि 1.5 महीने 40 दिन के समथिंग ये कंप्लीट यहाँ पर जलने वाली है। अभी सोचिए कि कितनी बड़ी अगरबत्ती होगी, कितना टाइम इसमें लगा होगा। कहते हैं कि 5 लाख रुपये इसकी बनने में लागत आई है, इतना रुपए इसको बनने में लगा है। देख सकते हो कितना गजब का नज़ारा आपके सामने यहाँ पर है। इस अगरबत्ती को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और श्री राम अयोध्या में यह यहाँ पे प्रज्वलित होने वाली है। दोस्तों वो क्षण आ चुका है जब हम छू पाएंगे उस अगरबत्ती को, उस दीप ज्वलित होंगी जो यहाँ पर अयोध्या धाम में उसको हम छू करके देखने वाले हैं, और बहुत बड़ी है। दोस्तों यूँ मान के चलिए कि करीब मैं 100 कदम यहाँ चलता हूँ तब जा करके इसके वहाँ पीछे से एंड से मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ। अब यहाँ पर मैं खोल देता हूँ मेरे शूज और मैं चढ़ जाता हूँ इस ट्रक में। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर ये जो अभी बात हो रही थी वहाँ पर जो बनाने वाले उनसे कि यहाँ पर लाने के लिए 4 लाख रुपए इसका किराया लग गया, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये बनी ही इसमें थी और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पर इसको लपेटा हुआ है इस अगरबत्ती को यहाँ पर चारों तरफ से, और इसके साथ में यहाँ पर 35 लोग आए हुए हैं। इसको देखो पूरी तरह से टेपिंग किया हुआ है, 5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया है, साथ ही यहाँ पर भी किस तरह से इसको बढ़िया से टेपिंग यहाँ पर किया हुआ है, ये देखिए आप लोग। कितना दिन लगा था इस अगरबत्ती को बनने में? 6 महीना। कितनी बड़ी यहाँ पर अगरबत्ती है जो कि वहाँ से पीछे से शुरू होकर के और आगे तक जा रही है, और मैं छू पा रहा हूँ इस अगरबत्ती को, देख पा रहा हूँ यहाँ पर भगवान श्री राम प्रभु की यहाँ पे सेवा में अर्पित हो रही इस अगरबत्ती को हम यहाँ पे छू पा रहे हैं, और ये देखिए कितनी भारी, और इसको प्लास्टिक से कवर किया हुआ ताकि इसके ऊपर किसी तरह की कोई आँच नहीं आए और सुरक्षित एकदम अपने स्थान के ऊपर ये पहुँच जाए। यहाँ पर देखो हर जगह के ऊपर दोस्तों कितना भव्य नज़ारा होगा उस वक्त जब यह है 1.5 महीने तक रेगुलर ये अगरबत्ती जलने वाली होगी, प्रज्वलित होती रहेगी। इसमें कई सारी चीज़ें ये इसमें इस्तेमाल में ली गई है, और ये देखो कितनी बड़ी पूरी की पूरी अगरबत्ती आपके सामने मौजूद है। अब मिलते हैं दोस्तों हम अगरबत्ती को बनाने वाले बीहा भाई से, जो कि बताएंगे आपको इस अगरबत्ती का कितना क्या खर्चा आया, कंप्लीट जानकारी हम इनसे लेते हैं। ये जो अगरबत्ती धूप से ली है उसको 6 महीने का वक्त लगा है बनाने में, और इसकी 108 फीट लंबाई है, 3.5 फुट गोलाई है। इसके अंदर 3,610 किलो पूरी हवन सामग्री लगी है। इसको हम बार बार क्यों बोलते हैं कि 108 कुंडी यज्ञ है, क्योंकि इसके अंदर लाखों करोड़ आहुतियाँ लगी हुई है। तो ये प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य प्रोग्राम है 22 जनवरी 2024 को, और 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम उनके निजी स्थान में आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से ये हम अगरबत्ती या धूपसली लेके आए हैं, प्रभु राम को अर्पित करके इसको प्रज्वलित करेंगे, और ये जब प्रज्वलित होंगी
तो इसका दो विधान होगा। एक जैसा सामान्य अगरबत्ती अपन घर में जलाते इस तरह इसको प्रज्वलित करेंगे तो 1.5 महीना तक चलेंगी, और ज्योति की तरह एक यज्ञ की तरह इसको प्रज्वलित करेंगे तो 21 दिन से भी ज़्यादा चलेंगी। और ये जब प्रज्वलित होंगी उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेंगी वो ऊर्जा जो है वो 50 किलोमीटर का एरिया में नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करेंगी और सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेंगी। इसको बनाने में कितना खर्चा, कितना टाइम लगा? हाँ, इसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है, 5,000 रुपया लागत लगी है। हमने 5 लाख रुपया लागत लगी है, हमने किसी से 1 रुपया चंदा लिया नहीं है, हमने खुद ने लगाया है, खुद ने बनाया है, ना तो इसमें कोई मजदूर है ना तो कोई है, अकेले ने बनाया है और सब कुछ प्रभु राम की कृपा हुई है तो हम लेकर आ गए। गुजरात से यहाँ पर लाने में कितना टाइम इसको लगा जैसे? हाँ, गुजरात से हम 1 तारीख को निकले थे, 10 तारीख रात को यहाँ पहुँच गए थे, और जो रास्ते का पूरा खर्चा है और टेलर का जो खर्चा है वो बॉम्बे सुपर जो सीट कंपनी है उसने लगाया है सारा खर्चा, और जो वहाँ से गुजरात के यहाँ तक पहुँचाने का में जो आयोजन किया है वो हमारे बड़ौदा के सांसद है रंजनबेन भट्ट, उसने पूरा मोर्चा संभाला है और पूरा उनका सहयोग रहा है तो हम अयोध्या तक आ गए। और जब गुजरात से ये धूपसली अगरबत्ती निकली अयोध्या तक पहुँची है तो प्रभु श्री राम ने समुद्र में एक सेतु बनाया था, तो ये धूपसली ने गुजरात से अयोध्या तक एक राम भक्त और जनता का बहुत बड़ा सेतु बनाया है। लाखों और करोड़ों राम भक्त जनता की इसके साथ भावना जुड़ी हुई है, और जब से गुजरात से आया है ये रथ शोभा यात्रा अयोध्या तक तो रास्ते में कहीं हर 5 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे लाखों जनता ने इसका स्वागत किया है, ढोल नगाड़ा बजाया है और बहुत स्वागत किया, प्रशासन ने भी सहयोग किया और राम भक्तों ने भी सहयोग किया, और बहुत सारा उत्साह लोगों में है कि प्रभु श्री राम लला 500 साल के बाद निजी स्थान में आ रहे हैं। इसके लिए पूरे भारत के अंदर नहीं विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी 22 तारीख को दीपावली होने जा रही है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी अगरबत्ती है, हमारे लिए बड़े प्राउड का मोमेंट होना चाहिए, पूरे विश्व भर की सबसे बड़ी अगरबत्ती आपके सामने यहाँ मौजूद है और हमने मिलाया जो इनको बनाया उससे, साथ ही इनकी टीम के यहाँ पर 35 लोग यहाँ पर आए हैं तो उनसे मिलवाएंगे और 22 तारीख को जब प्रज्वलित होगी तब हम आपके इसके और दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आइए अयोध्या में और जय श्री राम का नारा लगाते हुए, और घर के अंदर अगर आप घर पे हो वहाँ पर तो एक दीप वहाँ पे जरूर लगाइए, फिर से बनाते हैं हम 22 तारीख को एक और नई दीपावली। धन्यवाद, जय श्री राम, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।